नमस्कार किसान साथियों, मैं रविंद्र पाटीदार सोमनाथ क्रॉप केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से आप सभी किसान बंधुओं का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज हम ग्राम एकल दूना दिखठान के हमारे किसान मित्र भैया जितेंद्र जी पाटीदार के फार्म हाउस पर आज इनसे मिलने आए हैं, और इन्होंने सोमनाथ कंपनी का क्रीमर अपने पशुधन को खिलाया था, और जिसके इन्हें कैसे रिजल्ट मिले, क्या परिणाम मिला, क्या जानवर में इन्हें परिवर्तन मिला, वो आज हम इनसे जानकारी लेंगे। तो भैया आप बताइए कि आपने क्रीमर खिलाया था तो आपको कैसे क्या रिजल्ट मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र पाटीदार, गांव कलदान दिखठान। वैसे तो एक हमारी गाय है, लगातार 4 महीने से उसकी एक थन में लाल दूध आ रहा था। मैं परेशान हो गया, सब दवाई ट्रीटमेंट करवा ली, कितने डॉक्टर को बुला दिया, घर के देसी काम कर लिए, फिर भी मैं परेशान था। एक थन में लगातार लाल दूध आ रहा था। तो फिर मुझे एक बार मीटिंग में गया दिखठान, वहाँ पे पता चला कि भाई एक क्रीमर आता है सोमनाथ कंपनी का, बहुत अच्छा है वो। फिर मैंने वहाँ मुकेश दक्ष कृषि केंद्र जी मुकेश जी से लिया और अपनी गाय को चालू किया। आज 10 दिन हो गए, मेरे को 70% या 80% रिजल्ट आया है। थन में बिल्कुल लाल दूध नहीं के बराबर आ रहा है। पहले तो हम दूध भी नहीं खा रहे थे, वो अलग ही डाल रहे थे, गटर वगैरह डाल रहे थे, मगर अब दूध चालू कर दिया खाना पीना, और बहुत अच्छा। गाय भी पहले खा नहीं रही थी, शरीर भी उसका दुबला पतला था, अब अच्छा हो गया, उसका मुझे बहुत बेनिफिट मिला। तो मैं सभी भाइयों से आग्रह करता हूँ कि एक बार जरूर अपने पशुओं को क्रीमर खिलाएं और उसका रिजल्ट 10 दिन बाद देखें कि वो क्या चीज है। नमस्कार, मतलब आपको अच्छे रिजल्ट मिले। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों, मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि एक बार आप सोमनाथ कंपनी का क्रीमर, जो कि आपके पशुधन के लिए कंपनी ने निकाला है और काफी अच्छे उसके रिजल्ट हैं, और भैया को भी जैसे परिणाम मिले हैं, दूध भी बढ़ाता है, फैट भी बढ़ाता है, और इन्हें जो लाल दूध आ रहा था उसके एक स्तन में, और वो लाल दूध जो आ रहा था उसको कम हुआ, और धीरे 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 उसका सफ़ेदपन आना चालू हो चुका है। तो आप सभी किसान भाई सोमनाथ कंपनी का क्रीमर अपने पशुधन को खिलाएं एवं अच्छे से अच्छा परिणाम लें। और हाँ, मैं अभी तक तो डेयरी पे जाता था, दूध नपा के घर आ जाता था, पर कल देखा मैंने भाई फेट तो पता क्या है, तो अभी तक तो पहले तो 3-4 देखी थी, फिर कल 7 फेट आई रियल। अगर उन्हीं हो तो प्रूफ, तो चलो मैं वो रजिस्टर दिखाता हूँ। उसमें कल वो गाय की 7 फेट आई, मैंने गजब यार, मैंने ये कहाँ से आ गई, अभी तक तो नहीं आ रही थी। उसके 10 से 11 दिन हुए खिलाते खिलाते, बाकी रिजल्ट इसका बहुत अच्छा। ठीक है, धन्यवाद किसान भाइयों, जय सोमनाथ।